हेलो गाइस, तो यहाँ पर देखेंगे आप DCX सिस्टम्स का जो IPO क्लोज हुआ है इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप देखते हो तो बम्पर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा है। रिटेल कैटेगरी में 60 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। टोटल सब्सक्रिप्शन आप देखते हैं 70 गुना के आसपास। तो यहाँ से बहुत कम चांसेस है IPO आपको अलर्ट हो, तो चिंता की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर से एक नया IPO आपके लिए लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे आज 3 तारीख को, 3 नवंबर को एक और नया लेटेस्ट IPO ओपन हो रहा है बीकाजी फूड्स का। तो FMCG कंपनी, जिस तरीके से आपको पता FMCG कंपनी जो है उनकी डिमांड किस तरीके से बढ़ती जा रही है, किस तरीके से रिटर्न्स इसने बना करके दिए स्टॉक मार्केट में, तो इसके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे क्वेश्चन आपके फॉलो करेंगे। उससे पहले आप इसका लेटेस्ट GMP देखते हैं बीकाजी फूड्स का। तो 75 रुपीज़ के आसपास आपको इसका GMP दिख रहा है। इसकी प्राइस देखेंगे IPO की 300 रुपये कट ऑफ प्राइस है। 40% के आसपास का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है। तो अभी इसका लेटेस्ट GMP 75 रुपीज़ चल रहा है। तो 75 बाई ये 50 शेयर्स का लोट है फ्रेंड्स। यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, 50 शेयर्स का लोट है। एक लोट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 50 शेयर्स आपको मिलेंगे। तो अगर एक लोट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पर 3,750 रुपये का लिस्टिंग गेन अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ठीक ठाक है लिस्टिंग गेन के हिसाब से। और ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे इसकी डिटेल्स, थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 तारीख को खुल रहा है 35% के आसपास का, इसमें रिटेल कोटा रखा गया। और FMCG कंपनी है, जो भुजिया वगैरह आती है, रसगुल्ला वगैरह आता है, वो सब इसके अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। यहाँ पर FMCG से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे IPO ओपन कब हो रहा है, 3 तारीख को। इसकी वहीं क्लोजिंग डेट आप देखेंगे 7 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी टाइम है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको 3 तारीख को अप्लाई नहीं करना, आपको यहाँ पर 4 तारीख या फिर 5 तारीख या फिर 6 तारीख तक आप वेट करिए। इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस आप देखिए कितना सब्सक्राइब होता है, कितनी डिमांड बढ़ती है, उसके बाद आपको इसमें अप्लाई करना। IPO की साइज़ देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है, 881 करोड़ की IPO की साइज़ है यहाँ पर। और ऑफ़र फॉर सेल आप देखते हैं तो इतने शेयर्स यहाँ पर इक्विटी शेयर्स ऑफ़र फॉर सेल किए जा रहे हैं। और वहीं पर फेस वैल्यू देखेंगे 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स आपको देखने के लिए, इसका प्राइस जो है प्राइस बैंड जो इन्होंने रखा है 285 से 300 रुपये के आसपास रखा है। तो अगर आप चाहते हैं कि IPO आपको अलॉट हो जाए, मिल जाए, तो हमेशा आपको इस वाले प्राइस पर, कट ऑफ वाले प्राइस पर ही अप्लाई करना। जब आप अप्लाई करते हैं IPO तो वहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स होता है इस तरीके का, उसके आगे कट ऑफ लिखा, तो बॉक्स पर आपको टिक लगा देना, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना। तो कट ऑफ प्राइस जो ये वाला है इस पर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये IPO मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। काफ़ी सारे कमेंट आते हैं हमारे वीडियो में कि हमें अप्लाई नहीं होता है, अलॉट नहीं होता है। हम सारे के सारे IPO में अप्लाई करते हैं लेकिन अलॉट नहीं होता, तो आपको अलॉट नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप अलॉट करते हैं तो ही आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है, दोनों ही जगह पर लिस्टिंग होगा। वही रिटेल कोटा इन्होंने काफ़ी शानदार रखा है, 35% से चांसेस बनेंगे IPO आपको मिल जाए। वहीं QIB कोटा 50% के आसपास है, NIA कोटा देखते हैं 15% के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। वही कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स पर नज़र डालेंगे। अगर आप यहाँ पर रिटेलर हैं और एक लोट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा IPO के अंदर लोट साइज होता है, एक शेयर आप नहीं ले सकते, एक लोट आपको लेना पड़ता है। तो अगर एक लोट आप लेंगे उसके अंदर आपको 50 शेयर अलॉट होंगे, जिसके लिए देख लीजिए अमाउंट पूरा 15,000 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। और मैक्सिमम लोट अगर आप लेना चाहते हैं तो 13 लोट ले सकते हैं, जिसमें 650 शेयर आएंगे, जिसके लिए 1,95,000 रुपये आपको पे करने होंगे। अगर आप HNI कोटा से तो 14 लोट ले सकते हैं, और HNI B मिनिमम कोटा से तो 68 लोट आप मिनिमम ले सकते हैं। इसके बारे में हम फिलहाल यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है। आगे इंपॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डालेंगे तो प्राइस बैंड अनाउंसमेंट जो इसका था वो 31 अक्टूबर को था। एंकर इन्वेस्टर की जो अलॉटमेंट थी वो 2 नवंबर को हो गई। यहाँ पर रिटेलर्स के लिए 3 नवंबर को खुल रहा है, वो इसकी क्लोजिंग डेट 7 नवंबर है। बेसिस अलॉटमेंट की बात करें, काफ़ी लोगों के इन्वेस्टर के मन में सवाल होता है कि इसका अलॉटमेंट कब होगा, तो अलॉटमेंट इसका 11 नवंबर को है फ्रेंड्स। अगर आपको नहीं मिलता है तो 14 तारीख को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और अगर आपको अलॉट हो जाता है यहाँ पर तो 15 नवंबर को आपका जो भी डीमैट अकाउंट है उसमें इसके शेयर्स आपको दिखने लगेंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फाइनली बीकाजी फूड्स IPO लिस्टिंग डेट अगर आप देखते हैं तो 16 नवंबर आपको देखने के लिए मिल रही है, 16 नवंबर को लिस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात यह आती है कि आप किस तरीके से इसमें लिस्टिंग गेन लेकर के एग्जिट करने वाले या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो ये आपको सोचना है दोस्तों कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो वहीं इसके रेवेन्यू पर अगर आप नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे करोड़ के अंदर यहाँ पर 2020 से 2022 के
लास्ट 6 मंथ तक का रेवेन्यू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू देख लीजिए बढ़ रहा है, एक्सपेंस देखेंगे बढ़ रहा है, इसके पैड जो है लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसके GMP में जो उछाल आपको देखने के मिल रहा है, इसकी डिमांड के वजह से देखने के मिल रहा है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, आपके पैसे को कई गुना कर सकते हैं। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रुकते हैं तो आपके पैसे को 3-4 गुना भी ये कंपनी करके दे सकती है। बाकी अगर सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए आप अप्लाई करते हैं तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है। तो कौन कौन इस IPO में अप्लाई करने वाला है, कब करने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से फ्रेंड्स जरूर से बताएं। और इस IPO से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ अगर आती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी।